सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का। करंट अफेयर्स से रिलेटेड है ये, और 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और सर्टेनली वी विल गो फॉर इन डेप्थ ऑफ द थिंग्स देयर। तो चलिए पहला सवाल जो है वो कीजिए। ठीक है, आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द बोर्ड सो दैट यू कैन हैव अ प्रॉपर लुक ऑफ द क्वेश्चन देयर। तो इसमें जो सवाल है, पहला सवाल है, संवेदना भावनात्मक विकास और आवश्यक स्वीकृति के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य भेद्यता पर संवेदनशील कार्रवाई के संदर्भ में दो बातें कही गई है कि ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसमें टेली काउंसलिंग सेवा द्वारा उन बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और भावनात्मक सहायता प्रदान करेगी जो संगरोध या कोविड देखभाल केंद्रों में, और जिन बच्चों के पास कोविड सकारात्मक परिवार के सदस्य हैं। चलिए जवाब दीजिए आप सभी लोग। सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज द आंसर देयर फ्रॉम योर साइड। ओके, तो आई हैव गॉट जस्ट वन आंसर राइट नाउ। फर्स्ट का सी। देखिए इसका जो उत्तर है वो क्या है, ए है। नाउ अब इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे जो ऊंची संस्था है बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कौन सी है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि एनसीपीआरसी। कौन है? एनसीपीआरसी, ये ध्यान देना है आपको। अब देखिए कि एनसीपीआरसी की बात की जाए तो एक टॉल फ्री नंबर जारी किया गया है इसके द्वारा, हेल्पलाइन नंबर। और ये नंबर ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये जानिए कि टॉल फ्री नंबर जारी किया गया है किसके लिए, ऐसे बच्चे जो कि प्रभावित है कोविड-19 से और उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, और वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से या सामाजिक रूप से उनको समर्थन की ज़रूरत है, तो वो इसमें दिया जाएगा। क्लियर, इस टॉल फ्री नंबर नंबर के माध्यम से। अब देखिए कि सबसे दूसरी बात जो इसमें है इम्पोर्टेंट, वो संवेदना का फुल फॉर्म दिया गया है, सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ एंड वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये टॉल फ्री काउंसलिंग सर्विस है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। ये जो निटिग्रिटीज है ना, ये आपके मतलब का नहीं है। आपके मतलब का क्या है कि एक तो इसका फुल फॉर्म जाने, दूसरा ये जाने कि किस चीज़ के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब देखिए, द टेली काउंसलिंग सर्विस विल प्रोवाइड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। ये क्या देगा कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो प्राथमिक चिकित्सा है और खास करके भावनात्मक जो सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चों को, ऐसे बच्चे जो कोई क्वारंटाइन में रहे हैं, ठीक है, कोविड-19 केयर सेंटर में रहे हैं, और ऐसे बच्चे जिनके परिवार में कोई कोविड पॉजिटिव हो चुका हो, तो चिल्ड्रेन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू द कोविड-19 या अपने माता पिता को उन्होंने कोविड-19 के कारण से खो दिया हो, तो ऐसे बच्चों को ये क्या दी जाएगी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक एक तरीके से निदान दिया जाएगा, उनकी जो स्थिति है उसको संभालने में। तो ये टेलीकाउंसलिंग सपोर्ट जो है कैटर टू द चिल्ड्रेन ऑल ओवर इंडिया ऑफ द वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो पूरे भारतवर्ष में दी जाएगी, अलग अलग भाषाओं में दी जाएगी, अलग अलग क्षेत्रों के लिए। और काउंसलर्स हैव स्पेशली ट्रेन्ड बाय द एक्सपर्ट टीम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, निमहांस के द्वारा ये किया जाएगा। अब इस चीज़ को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ये बहुत दफ़े पूछा गया है। क्लियर,
टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रेन इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स, मतलब इन विपरीत परिस्थितियों में जो इनको परेशानी हो रही है उन परेशानियों से जूझने के लिए क्या किया जाएगा, ये पूरी की पूरी जो काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। दूसरा, चलिए इसमें जो प्रश्न है कि किसी महिला के बारे में पूछा जा रहा है कि वो चेयरपर्सन एमेरिटस रह चुकी हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, उसके बाद वह अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज पर भारत सरकार का जो एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति था, हाई पावर्ड कमेटी जो थी, उसकी चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। 2009 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया, तो इसका जवाब दीजिए, दूसरे का जवाब दीजिए। गुड इवनिंग प्रिंस कुमार, ओके, सेकंड का जवाब दीजिए। ओके, तो इसका जवाब है इसर जज अहलूवालिया, इनके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। तो एक अर्थशास्त्री रह चुकी है, प्रख्यात अर्थशास्त्री, अभी हाल फिलहाल में उनकी मृत्यु हो गई, किसके कारण से, ब्रेन कैंसर के कारण से, और 1945 से लेकर 2020 तक उनका क्या रहा है, जीवन काल रहा, और ये भारतीय अर्थशास्त्री थी, ठीक है, और पब्लिक पॉलिसी रिसर्च की प्रोफेसर भी थी। अब इन्होंने अलग अलग पोजीशंस पे काम किया, जैसे कि आप देखो चेयरपर्सन रह चुकी है एमेरिटस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, बताया अभी थोड़ी देर पहले विकल्प के अंदर भी ये दिया गया था। फिर दूसरा कि चेयरपर्सन रह चुकी हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ इंटरनेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी का, और वो चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं हाई पावर्ड कमेटी जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि जो शहरी क्षेत्र में जो अवसंरचनाएँ तैयार की जाए उसके ऊपर उच्च अधिकार प्राप्त एक समिति भारत सरकार के द्वारा गठित की गई थी, उसके भी ये अध्यक्षा रह चुकी हैं चेयरपर्सन। और इनके जो कुछ किताबें जो है जो कि काफ़ी नोटेबल है, वो पहला कौन सा है, तो देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया स्टैग्नेशन सिंस द मिड 60s, यानी कि मध्य 60 के दशक से जो बिल्कुल भारत के उद्योग में जो रुकावट आ गई है उसके बारे में एक किताब लिखी थी, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ इन द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, और भारत के उत्पादन में और उसकी उत्पादकता के बारे में और उसमें वृद्धि के बारे में भी किताब लिखी गई थी, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, जो चुनौतियां हैं, जो मौके हैं और आगे कैसे निकला जा सकते है, और एक और किताब जो इन्होंने लिखी थी ब्रेकिंग थ्रू अ मेमोरायल, मतलब अपनी संस्मरण भी उन्होंने लिखी थी। और अवार्ड्स जो है, भारत का जो तीसरा जो सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है पद्म भूषण इनको दिया गया है 2009 में। आपको पता है कि जैसे कि भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है, ऐसे दिया जाता है, तो पद्म भूषण इनको दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडियन प्लानिंग कमीशन के जो उपाध्यक्ष रह चुके हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है, और किसके समय में, तो मनमोहन सिंह के समय में, उनकी ये धर्मपत्नी थी, उनके साथ शादी हुई थी इनकी, तो ब्रेन कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई है। चलिए अब अगला सवाल देखिए, तीसरे का आंसर करें।
चलिए तीसरे का सवाल का जवाब दीजिए। मानसी जोशी, गुड इवनिंग बच्चे। ओके तो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अब तक आसाम की मुख्यमंत्री बनने वाली एकमात्र महिला थी, तो शायदा अनवारा तैमूर। देखिए इनके बारे में जानते हैं कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं आसाम की, जिनका कि अभी क्या हुआ, मृत्यु हो गया 84 वर्ष की उम्र में। तैमूर जो कांग्रेस पार्टी से थी और आसाम की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं 19 दिसंबर 1980 से जून 1981 तक। उस समय क्या था कि विदेशियों के खिलाफ, खास करके बांग्लादेशी शरणार्थियों के खिलाफ काफ़ी उग्र आंदोलन चल रहा था आसाम के अंदर, और उस समय वो अपने चरम पे था, सबसे ऊपर की स्थिति पे था। तो तैमूर जो था कि यदि बात की जाए तो एमएलए रह चुके 1972 में, 78 में, 83 में और 91 में, और सी वाज ए मिनिस्टर इन आसाम ट्वाइस, और दो बार मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, राज्यसभा की एमपी भी रह चुकी हैं दो बार, और उनको नॉमिनेट किया जा चुका है 1988 में और 2004 में। ठीक है, नॉमिनेशन के थ्रू बनी थी, और आपको पता होगा ना चाहिए कि नॉमिनेशन के थ्रू 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोग राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, और दो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो 2011 की बात की जाए तो तैमूर ने बद्रुद्दीन अजमल लेड AIUDF ज्वाइन कर लिया था, रिपोर्टेडली आफ्टर बीइंग डिनाइड टिकट फ्रॉम द कांग्रेस, और ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिली, इस कारण से उन्होंने क्या कर लिया था, इस फ्रंट को ज्वाइन कर लिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, चलिए फोर्थ का जवाब दीजिए। ओके तो फोर्थ का आंसर सी है। देखिए सवाल क्या है इसमें कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि द फर्स्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में जो खरीदारी की एक प्रक्रिया जो है वो तय कर दी गई है, और ये वॉज प्रोमुलगेटेड इन ईयर 2002 में ही इसकी शुरुआत की गई थी, प्रख्यापित किया गया था अध्यादेश के द्वारा। ठीक है, और ये बाद में इसको कानून के रूप में लाया गया, और अनुच्छेद 123 के तहत ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा क्या ना हो, सत्र में ना हो, सेशन में ना हो उस समय, और तत्काल पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए ऐसी ज़रूरत पड़े तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कि दूसरा कहा जा रहा है, सिंपल एंड प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन प्रोसीजर हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड एंड द इंडिजिनस कंटेंट विल नाउ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्लियर, तो कहा जा रहा है कि जो स्वदेशी जो चीज़ है उसके बारे में जो गणना की जाएगी वो बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेस
टैक्सेस एंड ड्यूटीज, मतलब जो भी संविदा की जो मूल्य है जितने पे कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें से यदि टैक्स को माइनस कर दिया जाए, ड्यूटीज को माइनस कर दिया जाए, तो उसको हम बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि तो जो रक्षा मंत्री हैं कौन है आपको पता ही है, राजनाथ सिंह। उन्होंने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020 को क्या किया, अनवील्ड किया, यानी कि जारी किया। DAP 2020 की यदि बात की जाए तो वो प्रभावी है कब से, 1 अक्टूबर 2020 से क्या होगा, ये लागू हो जाएगा। और पहला डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है जो कि 2002 में लागू किया गया था, और उसके बाद से बार बार इसको समय समय पर रिवाइज किया जाता है। और लेटेस्ट जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है वो 2020 का जारी किया गया है। अब देखिए इसके कुछ सेलियंट फीचर क्या हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें क्या है। सबसे पहले जानिए कि द न्यू कैटेगरी ऑफ बाय, एक नया कैटेगरी तैयार किया गया बाय का, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, वैश्विक स्तर पे उत्पादन करते हैं लेकिन वो हैं कहाँ के, भारत के। इनकॉर्पोरेट्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइदर इंटायर और पार्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, स्पेयर असेंबलीज, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी फॉर द इक्विपमेंट थ्रू इट्स सब्सिडरी इन इंडिया। अब मान लो कि कोई विदेश की कंपनी है, ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, तो आपको ये समझना है कि रक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है तो कलपुर्जे बनाने हो, यदि कलपुर्जों को एक जगह असेंबल करना हो, ठीक है, या सब असेंबली की बात हो, या उसको मेंटेन करने की बात हो, या उसमें मरम्मत की बात हो, या पूर्णतया सुधार की बात हो, तो इससे संबंधित एक सब्सिडरी को वो कंपनी क्या करेगी, भारत में भी बनाएगी, ठीक है। नाउ द कैटेगरीज ऑफ बाय इंडियन IDDM मेक फर्स्ट मेक सेकेंड प्रोडक्शन एजेंसी इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड SP मॉडल विल एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर इंडियन वेंडर्स मीटिंग द क्राइटेरिया ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ रेजिडेंट इंडियन सिटीजन विद FDI नॉट मोर देन 49%। तो यदि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यदि 49% से ज़्यादा ना हो, इंडियन सिटीजन्स के द्वारा हो, ठीक है, यदि कोई कंपनी रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हो, तो MK1-2 प्रोडक्शन एजेंसी ये सारी चीज़ें उस वो कर सकती है। अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस हैज, एक बिल्कुल आसान सा और व्यवहारिक तरीका सा वेरिफिकेशन का प्रोसेस की शुरुआत की गई है, ठीक है, हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड एंड इंडिजिनस कंटेंट, और उसमें ये देखा गया कि स्वदेशी चीज़ें उसमें कितनी है, और उसको बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे क्या किया जाएगा, मतलब तय किया जाएगा। और बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टैक्स माइनस जो ड्यूटीज दी जा रही है इस कंपनी के द्वारा, उसको माइनस कर लें। तो इसमें देखिए कि प्रोविजन फॉर एक्सप्लोरिंग ऑप्शन फॉर ऑपरेटिंग बेस एप्लीकेशन लाइक फायर कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार्स, ठीक है, इंक्रिप्शन मतलब कोडिंग करने के लिए, कम्युनिकेशन से संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर, ये सारा का सारा जो होगा इंडिजिनसली डेवलप किया जाएगा। तो ये इसको भी इसमें प्रोक्योरमेंट वाली जो पॉलिसी है उसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और देखते हैं क्या। तो पांचवा सवाल है कीजिए पांचवें सवाल का जवाब दीजिए। चलिए तो पांचवें का आंसर, आई एम जस्ट वेटिंग।
ओके सो दो लोगों का उत्तर सी है, विक्रम का और मनी फोन, ठीक है। तो आंसर वैसे सी ही है, क्लियर। यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट इसके क्या हैं, सही हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि उपयोगकर्ता डिपो मॉड्यूल के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं कि CSIR रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित एक यूज़र डिपो मॉड्यूल है जो कि पश्चिमी रेलवे के द्वारा उपयोगकर्ता डिपो में डिजिटल रूप से लागू किया जाएगा। डिजिटली लागू किया जाएगा कहाँ पर, तो वेस्टर्न रेलवे के अंदर। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि इस प्रणाली के लागू होने के साथ जितने भी स्टेक होल्डर हैं ना, ठीक है, तो वास्तविक समय में यानी कि रियल टाइम में क्या होगा कि डेटा का आदान प्रदान हो सकेगा, ऑनलाइन सूचना आदान प्रदान की जाएगी, ठीक है। काम करने वाले मैनुअल से डिजिटल काम करने के लिए परिवर्तनकारी परिवर्तन आएगा, और इसके इसके साथ ही क्या होगा कि एक ट्रांसफॉर्मल चेंज आएगा इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, इंडियन रेलवे ने शुरुआत की है डिपो मॉड्यूल को, ठीक है, जो कि डिजिटाइज होगा, सप्लाई चेन को डिजिटाइज करेगा, ठीक है। सप्लाई चेन कहने का मतलब जो आपूर्ति की जाती है उसको क्या करेगा, डिजिटाइज करेगा। तो अब ये ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि पहला जो डिपो मॉड्यूल है CSIR के द्वारा डेवलप किया गया। CSIR का मतलब सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसकी इसको रोल आउट किया गया, मतलब इसको शुरुआत कर दी गई है, डिजिटली किया गया है, ठीक है। और जो अलग अलग डिपो हैं वेस्टर्न रेलवे के, उसमें इसकी शुरुआत की गई है, और इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जल्दी ही जितने भी इंडियन रेलवे के और जो जोन्स हैं उनमें ये लागू कर दिया जाएगा। अब देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें समझें कि रेलवे सप्लाई चेन्स टू स्टोर डिपोट्स हैड ऑलरेडी बीन डिजिटाइज्ड, और यानी कि जो रेलवे के सप्लाई चेन में जो भी डिपो हैं उसको पहले ही डिजिटलाइज किया जा चुका है, ठीक है। और जो उसके अलावा देखिए कि कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं जो कि यूज़र्स के एंड पे हैं वो अभी भी थोड़ा सा मैनुअली चल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट इसको डिजिटाइज किया जा चुका है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम विल ब्रिंग इन ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज फ्रॉम मैनुअल वर्किंग टू द डिजिटल वर्किंग। और इसके साथ ही क्या होगा कि लोग मैनुअली वर्क कर रहे हैं वो काम कैसे करना शुरू कर देंगे, डिजिटल रूप में काम करना शुरू करेंगे, मतलब आपको फिजिकली जाके किसी चीज़ को टच करके और उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आप ऑनलाइन उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ये बड़ा सा फ़ायदा होगा। और सारे के सारे जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन होंगे वो रियल टाइम में अपडेट होगा, मतलब ठीक उसी समय, ठीक है। अब समझिए इसके अलावा और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको ये पता चल पाएगा, और इसके कारण से सप्लाई चेन की डिजिटाइजेशन हो सकेगी जिसमें कि डिपो भी शामिल है। अब देखिए कि इस सिस्टम के कारण से क्या आएगी, इकोनॉमी आएगी, यानी कि पैसे की बचत होगी, एफिशिएंसी आएगी, और इसमें पारदर्शिता आएगी, क्योंकि सब कुछ क्या होगा, कंटेंट अब ऑनलाइन मौजूद होगी, और इसके कारण से एसेट मैनेजमेंट को, मतलब जो भी एसेट है स्टॉक में है उसको मैनेज कर पाना थोड़ा सा आसान काम होगा, और इवन की सेवा के स्तर पे भी कस्टमर्स को इसके कारण से क्या मिल पाएगी, सेटिस्फैक्शन मिल पाएगी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखें, छठा सवाल। चलिए छठे का आंसर दीजिए। ओके, मनीष फोन इज ए मनीष, ओके वेलकम।
देखिए छठे का आंसर क्या है, तो सी है। देखिए हाइड्रोजन संपिंडित प्राकृतिक गैस यानी कि हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। पहली जानकारी है कि हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस HCNG कहा जाता है, इसमें मिक्सर किया जाता है नेचुरल गैस के साथ 4-9% किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो समझिए कि CNG और HCNG में फ़र्क ये है कि CNG के अंदर 4-9% का यदि हाइड्रोजन के मिक्सिंग कर दी जाए तो वो HCNG कहलाती है, और इसको यूज़ किया जा सकता है इंटरनल कंबसन इंजन के अंदर और होम अप्लायंसेस के अंदर भी, आंतरिक दहन इंजन जो है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है और घरेलू उपकरणों में भी। ये दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है। आंसर इसका क्या है, सी है बच्चों। अब देखिए कि अब सरकार ने क्लीन फ्यूल की तरफ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने क्या किया है, HCNG जिसमें कि 18% हाइड्रोजन मिक्स है, उसको अलाउ कर दिया कि 18% तक आप क्या कर सकते हैं, CNG के अंदर हाइड्रोजन को मिला सकते हैं। और मिनिस्ट्री ने ऐसा नोटिफाई किया है कि अल्टरनेट फ्यूल के रूप में इसको, मतलब वैकल्पिक ईंधन के रूप में यूज़ किया जा सकता है, और ये क्या होगा, स्वच्छ और साफ़ सुथरा ईंधन होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और BIS की यदि बात की जाए तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये डेवलप किया है स्पेसिफिकेशन, मतलब मापदंड क्या किया गया है, ये तय किया गया किसके द्वारा, BIS के द्वारा, ठीक है। और इसके लिए जो मापदंड है वो IS 17314.2019, ये याद रखना, बहुत दफ़े ये PT में ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, इससे HCNG को कहीं ना कहीं मापा जा सकता है, और फॉर ऑटोमेटिव पर्पस इसका प्रयोग किया जाएगा एज ए फ्यूल के रूप में। देखिए नेक्स्ट समझे, अ नोटिफिकेशन फॉर द अमेंडमेंट टू द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989, और 1989 के सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में क्या किया गया, संशोधन किया गया, और उसके बाद HCNG को इस फ्यूल के रूप में शामिल कर लिया गया, और ऐसा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया 25 सितंबर 2020 को मंत्रालय के द्वारा, उसके तहत ही ऐसा किया गया है। और जो HCNG की यदि बात की जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में 4-9% तक हाइड्रोजन मिलाई जाती है, वैसे 18% तक की क्या दी गई है, छूट दी गई है। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज इन इंटरनल कंबसन इंजन में यूज़ किया जाता है, और होम अप्लायंसेज में इसका क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अब सातवें सवाल का जवाब दीजिए। ओके, तो सातवें का आंसर क्या है, सातवें का आंसर ए है, बैक्टीरिया से होता है ये। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने 30×10 क्यों किया है, ये इसलिए किया है बच्चों कि आप थोड़ा सा समझे इस चीज़ को कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हर एक दिन यदि आप 10 क्वेश्चन भी करते हैं तो महीने के 300 क्वेश्चन कर रहे हैं, और इस हिसाब से देखिए तो साल के अंदर 3600 प्रश्न हो गए, और 3600×5 कर लीजिए करीब, तो इतने फैक्ट्स तो आपके दिमाग में, इतने फैक्ट्स और कंसेप्ट आपके दिमाग में चले गए, क्लियर। तो डेली डे यदि इस एक्सरसाइज को करते हैं और बने रहते हैं तो इसका काफ़ी दूरगामी फायदा होने जा रहा है, और ख़ास करके जब अगली बार 2021 में जब आप PT दे रहे होंगे
तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो चुकी होगी, क्योंकि 40-50% जो है जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू के, वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो पॉलिटी का हो, आईआर का हो, गवर्नेंस का हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात हो, साइंस टेक की बात हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात हो, ठीक है, इसके बाद डिफेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड, ये अधिकतर ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, इवन की ज्योग्राफी के अंदर भी और इवन की आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी क्वेश्चंस जो बहुत दफ़े करंट से रिलेटेड करके पूछा जाता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये बात ये कही जा रही है कि स्क्रब टाइफस जो है वो एक बीमारी है, वो किसकी वजह से होता है, तो जीवाणु या बैक्टीरिया की वजह से होता है। देखिए, तो सबसे पहले समझे कि ये है क्या और क्यों ये चर्चा में है, ध्यान रखना। अभी कल हमने एलिफेंट की बात की थी, आज इसकी बात की जा रही है। देखिए, जो एक स्क्रब टाइफस नाम की एक बीमारी जो है, बैक्टीरियल डिजीज जो है, ये कहाँ पर, नागालैंड में आजकल काफ़ी क्या कर रहा है, एक तरीके का लोगों को ये प्रभावित कर रहा है, और नॉकलक डिस्ट्रिक्ट जो है म्यांमार का, यानी कि भारत का नागालैंड और उससे जो सटा हुआ म्यांमार का नॉकलक डिस्ट्रिक्ट है, वो इससे प्रभावित हो रहा है। 600 से ज़्यादा लोग इससे पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसको इसमें फॉर द डिजीज़ बट रिकवर्ड फॉलोइंग ट्रीटमेंट, और देखिए इनको डिजीज़ से रिकवरी भी हो रही है लेकिन प्रभावित भी हो रहे हैं। अब इसमें देखिए कि स्क्रब टाइफस जो है वो बुश टाइफस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान देना कि स्क्रब टाइफस को बुश टाइफस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया ओरिंटिनिया टोगस मुशी के कारण से होता है, ये नाम याद रखेंगे। और स्क्रब टाइफस की यदि बात की जाए तो इन्फेक्टेड चिगर्स या माइट्स के कारण से, लार्वा जो खटमल वगैरह होते हैं इनके कारण से होता है। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम है स्क्रब टाइफस का, कि बुखार होगा, सर दर्द, शरीर में दर्द, और कभी कभी रैसेस भी, दाने और चकते भी आ जाते हैं। और जो लोग हैं वो इस बीमारी से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा यदि ग्रसित हो गए तो इनके शरीर के अंग भी क्या हो सकते हैं, विफल हो सकते हैं, फेलियर हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग भी हो सकती है और ये फैटल भी हो सकते हैं, यानी कि इसके कारण से मृत्यु भी हो सकती है। और देखिए, अधिकतर जो स्क्रब टाइफस का केस है वो रूरल एरियाज़ में पाया जाता है, कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इंडिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। यानी कि आप मोटे तौर से देखिए तो ये यूं से लेके ये पूरा का पूरा जो एरिया है, और इधर ऑस्ट्रेलिया जो है, ये पूरा इससे क्या होता है, प्रभावित होता है, ध्यान देना इस चीज़ को। अब देखिए कि स्क्रब टाइफस की यदि बात की जाए तो इसको एंटीबायोटिक डॉक्सिलिन से क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, इलाज है। और डॉक्सिलिन किसी भी एज के लोगों के लिए यूज़ किया जा सकता है इस बीमारी में, और ऐसे लोग, पीपल हु ट्रीटेड अर्ली विद द डॉक्सिलिन यूजुअली रिकवर क्विकली, और जिनको पहले यदि डॉक्सिलिन से इलाज की जाए तो वो जल्दी से रिकवर भी हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। आठवां सवाल कीजिए। नेट न्यूट्रैलिटी की बात की जा रही है, तो नेट न्यूट्रैलिटी के बारे में कहा जा रहा है कि द टेलकम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी, मतलब अलग अलग जो हितधारक है नेट न्यूट्रैलिटी से, उससे संबंधित एक क्या बनाई है, निकाय बनाई गई है, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि इंटरनेट जो एसेस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि आप रिलायंस जियो की बात कर लीजिए, वोडाफोन की बात कर लीजिए, एयरटेल की बात कर लीजिए, तो ये और वो क्या करें कि वो इन नेट न्यूट्रैलिटी के प्रोविजन से बंधे रहें, यानी कि उसको फॉलो करें। और नेट न्यूट्रैलिटी के बारे में जो सिद्धांत हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा
अपनाई गई थी, ठीक है, और वह टेक्नोलॉजी न्यूट्रल एंड वुड अप्लाई इक्वली टू 5G टेक्नोलॉजी, और ये 5G टेक्नोलॉजी पे इक्वली अप्लाई होगा, सभी पे लागू होगा, ये नहीं कि किसी एक पे एक कंपनी पे लागू होगा दूसरे पे नहीं लागू होगा। तो आठवें का जो आंसर है वो क्या है बच्चों, तो इसका सी है आंसर, आठवें का आंसर क्या है, सी। देखिए जैसे अब इसमें ये ध्यान देना कि TRAI टेलकम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रेकमेंड किया है कि एक मल्टी स्टेक बॉडी बनाई जाए, MSB बनाई जाए, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलकम के द्वारा, ठीक है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि इंटरनेट की जो एसेस दी जाती है, जो भी प्रोवाइड करवाते हैं, वो इसके प्रोविजन से, नेट न्यूट्रलिटी के प्रोविजन से क्या करें, बंधे रहें। अब नेट न्यूट्रलिटी का कहने का ये मतलब है कि सरकार किसी एक का पक्ष नहीं लेगी, और चाहे तकनीकी रूप से कोई कितना भी कंपनी आगे हो, ठीक है, सबों के साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। अब देखिए कि जैसे कि यदि आप किसी कंपनी के प्रचार में सरकार खुद आ गई, तो लाजमी है कि लोगों को लगेगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है और लोग उस कंपनी की तरफ भागेंगे, क्लियर। तो जैसे कि पेटीएम में कभी किसी ऐड में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को दिखाया गया था, तो इससे उन पेटीएम को क्या मिला, अनड्यू एडवांटेज मिला इन कंपेरिजन टू द अदर कंपनीज सर्विस प्रोवाइडर देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो अब देखिए कि MSB की यदि बात की जाए, विच इंक्लूड्स टेलकम सर्विस प्रोवाइडर, इसमें टेलकम सर्विस प्रोवाइडर होंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होंगे, कंटेंट प्रोवाइडर भी होंगे, और इसके बाद रिसर्च करने वाले एकेडमिक कॉलेज और टेक्निकल कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, ये सारे के सारे शामिल होंगे, और ये क्या होगा, नॉन प्रॉफिट एंटिटी होगा, इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, क्लियर। अब देखिए जहाँ तक MSB का सवाल है, शैल टू प्रोवाइड एडवाइस एंड सपोर्ट टू द DOT, ये क्या करेगा, एडवाइस देगा और सपोर्ट देगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, जिससे कि वो नज़र रख सके और लागू करवा सके नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों को। अब देखिए MSB में ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, यानी कि नेट न्यूट्रलिटी के संबंधित यदि कोई वायलेशन होती है, उल्लंघन होती है, तो ऐसी स्थिति में MSB क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा उस कंप्लेन को। और जहाँ तक टेलकम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सवाल है, ठीक है, उसने ये सजेस्ट किया कि MSB जो है वो DOT को हेल्प करेगा कि वो मेंटेन कर सके रिपोजिटरी रीजनेबल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए जो एक तार्किक तरीका है उसको फॉलो करने में DOT को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलकम को ये हेल्प करने जा रहा है। और नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत का जहाँ तक सवाल है, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलकम के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है, वह टेक्नोलॉजी न्यूट्रल एंड वुड अप्लाई इक्वली टू 5G टेक्नोलॉजी, और ये 5G टेक्नोलॉजी पे भी लागू होगा, दूसरे पे तो लागू है ही, और ये बात टेलकम रेगुलेटर यानी कि TRAI के द्वारा बिल्कुल क्या कर दिया गया, स्पष्टीकरण दिया गया, क्लैरिफाई किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नौवां सवाल कीजिए। नाइन सवाल का आंसर करें। ओके, पहला सवाल है कि इंटरनेशनल डे फॉर अवेयरनेस ऑन फूड लॉस, यानी कि खाद्य हानि और उस जो वेस्ट है उसको निम्न रखा जा सके, इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला तो द फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन
फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 29 सितंबर 2020। मतलब आज के दिन इसको क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और इस इट वॉज डेजिनेटेड इन 2019 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको डेजिनेट किया गया था। अब देखिए, तो इसका जवाब दीजिए पहले तो आप लोग। 9th का, सो अर्पिता सिंह इज सेइंग 9th का सी, और विक्रम फ्रॉम रांची इज आल्सो सेइंग 9th का सी, बट द आंसर इज 9th का क्या है, ए है। 9th का बच्चे क्या है, ए है, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर क्या है, पहला है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और पहला स्टेटमेंट सही है। अब देखिए इसमें है क्या, जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है खाद्य हानि एवं जो अपशिष्ट न्यूनता की यानी कि वेस्ट रिडक्शन की, वो 29 सितंबर 2020 को आज के दिन इसको मनाया जा रहा है। और 2019 में 74th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको क्या किया गया था, डेजिनेट किया गया था। और जबकि आप यहाँ पर देखिए कि क्या दिया गया है कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, तो इस कारण से ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आपका गलत है। ठीक है, तो अब देखिए कि इसका जो लक्ष्य है कि सबसे पहले तो फूड लॉस को कम किया जा सके, और जितना कम से कम किया जा सके वो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हंगर से पीड़ित हैं, भुखमरी से पीड़ित हैं, और वो बढ़ता ही जा रहा है 2014 से देखें तो। और हजारों हजार टन जो है खाद्य वस्तु जो है वो बर्बाद हो रही है, वेस्ट हो रही है प्रत्येक दिन। और दूसरी तरफ लोग क्या हो रहे हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पे देखें तो समझिए कि 14% ऑफ फूड प्रोडक्शन इज लॉस्ट बिटवीन द हार्वेस्ट एंड लिटिल, मतलब जहाँ फसल की कटाई की जाती है और जहाँ तक पहुँचता है रिटेलर तक जहाँ से कि एक्चुअल कंज्यूमर या उपभोक्ता उसको खरीदते हैं ना, उसके बीच में देखिए कि 14% तक का लॉस हो जाता है। और ये काफ़ी बड़ी मात्रा हो गई ना। ठीक है, कि वेस्ट हो जा रहा है रिटेल के लेवल पे और कंजम्पशन के लेवल पे यदि देखिए तो। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि फूड लॉस एंड वेस्ट ऑल्सो पुट्स अननेसेसरी प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट। अब यदि फूड लॉस होगा तो जो उत्पादन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन बढ़ा रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ वो क्या हो रहा है, खराब भी हो रहा है, बेकार भी जा रहा है, तो इससे इन्वायरमेंट को हानि होगी। और जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी, आप अधिक उपज लोगे तो उपजाऊपन जो है या उसकी फर्टिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी, खराब होती जाएगी, जिसको लीचिंग कहते हैं। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं, आप डीजल इंजन का पंपिंग सेट वगैरह का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके कारण से कार्बन इमिशन ज़्यादा होगी। तो दूसरा तो ये घाटा है, क्लियर, एक तरफ भुखमरी और दूसरी तरफ इन्वायरमेंट को भी डैमेज करेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट नंबर 12.3 कहता है कि 2030 तक क्या होगा, पर कैपिटा ग्लोबल फूड वेस्ट रिटेल लेवल पे और कंज्यूमर लेवल पे उसको कम किया जाएगा, और फूड लॉसेस प्रोडक्शन सप्लाई इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी कि फसल की कटाई के बाद से जब तक ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, सबसे पहले तो उसको क्या किया जाएगा, एक तरीके से इकट्ठा किया जाएगा, वेयर हाउस में रखा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो होल मंडियों तक पहुँचेगा, मंडियों से होलसेलर तक, होलसेलर से रिटेलर तक, रिटेलर से कंज्यूमर तक। तो कहा यह जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2030 तक पूरा किया जाना है, तो इसमें जो फूड वेस्ट हो रहा है वो आधे पे कर दिया जाना, यानी कि यदि 100 टन आज के डेट में बर्बाद हो रही है तो वो 50 टन हो जानी चाहिए बर्बादी, कहाँ तक, कब तक, मतलब 2030 तक। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो इसमें है, टू मॉनिटर द SDG टारगेट 12.3F हैज़ बीन क्रिएटेड द फूड लॉस इंडेक्स, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए एक इंडेक्स तैयार किया, फूड लॉस इंडेक्स। और इसका फोकस क्या है कि ये इंडिकेट करना कि परसेंटेज ऑफ फूड रिमूवल फ्रॉम द सप्लाई चेन, यानी कि सप्लाई चेन जैसा कि मैंने बताया आपको, जो हार्वेस्ट होते हैं, हार्वेस्ट से क्या होगा, किसान कहाँ तक ले जाएंगे, तो होलसेलर के पास मंडी में ले जाएंगे, होलसेलर से क्या, मंडियों से कहाँ पर जाएगा,
रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर से किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है, सप्लाई चेन है। इस सप्लाई चेन में क्या हो, बर्बादी कितनी हो रही है, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा, देखा जाएगा कितने परसेंटेज इसकी बर्बादी हो रही है। तो फूड लॉस इंडेक्स की बात की जाए तो मॉनिटर करेगा, मतलब कुछ एक समय में, एक किसी पीरियड में, ठीक है, कि कितनी बर्बादी हुई है। और करंटली जो इसका बेस जो माना गया 2015 माना गया, जिससे कि नज़र रखा जा सके SDG टारगेट 12.3 को। तो इसमें है क्या कि 2030 तक आधा किया जाना है, तो आखिर किसी को तो बेस ईयर आप मानेंगे, तो बेस ईयर इस मामले में कौन सा है, 2015 है। क्लियर है बच्चों, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। तो चलिए आज का जो लास्ट सवाल है वो देखिए क्या है। और शायद इसका आंसर आप सभी लोग दे पाएंगे। टेंथ का तो चांदनी गहलोत इज सेइंग नो सर, सी डज नॉट हैव ए आंसर हियर। अफसा इकबाल इज सेइंग ए, अर्पिता इज सेइंग नो। ये तो पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जोहरा सहगल एक भारतीय अभिनेत्री हैं, थी, और नर्तकी भी, डांसर भी, कोरियोग्राफर भी, समझिए इनके बारे में। तो गूगल ने अपना डूडल जो है वो जोहरा सहगल को डेडिकेट किया, जो कि इस देश की एक प्रथम महिला अभिनेत्री में से हैं, ट्रूली अचीव द रिकॉग्निशन एट द इंटरनेशनल लेवल, जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या मिली, ख्याति मिली। तो जोहरा सहगल का जो यदि देखिए तो 1912 से लेकर 2014 तक इनका क्या था, जीवन काल रहा, और एक्ट्रेस, डांसर और कोरियोग्राफर, और उनको माना जाता है कि इंडियन थिएटर में, ठीक है, और सी एक्टेड विद द इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA के साथ काम कर चुकी हैं, पृथ्वीराज कपूर की पृथ्वी थिएटर के साथ 14 सालों तक काम किया। सहगल अपीयर्ड इन द ब्रिटिश फिल्म में, टेलीविज़न शो में, बॉलीवुड प्रोडक्शन में ये नज़र आती रही, ठीक है, और करीब 6 दशकों तक इनका क्या रहा, योगदान रहा फिल्म जगत को, और बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए इनको। इसमें संगीत नाटक अकादमी है, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप भी दिया गया, कालिदास सम्मान दिया गया, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण। तो अब आप देख सकते हैं कि भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो एक भारत रत्न छोड़ के ये तीनों ही इनको दिया जा चुका है। क्लियर, तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे MCQ के, और कल मैं फिर से जारी रहूँगा आपके MCQ के साथ। और लेकिन अभी चूँकि हमने जस्ट अभी शुरुआत की है इन चीज़ों की लाइव YouTube चैनल के ऊपर, वैसे तो हम आपसे मिलते रहे हैं पहले भी, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो मैं बताऊँ कि कल से, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ी सी मतलब टाइमिंग और शेड्यूल को मैनेज कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से। तो कल से सुबह लिख लीजिए 11 AM द हिंदू डेली कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, ये पहला, और दूसरा जो होगा वो आपका इवनिंग में होगा, और ये 6 PM हम MCQ करेंगे। थोड़ा सा शेड्यूल के लिए अभी माफ़ करें, ठीक है, तो ये दो होगी, आप इसको लिख लीजिए। तो सुबह 11 AM मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 10 AM, चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ अपनी तरीके से। सो जॉट डाउन, लिख लिया बच्चों,
यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता हो, नितिन सर क्लासेस लेक्चर्स पसंद आते हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वाइडली शेयर करें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें इस कोविड-19 के सिचुएशन में। टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।